Welcome back class. So in today's video, we are going to continue with the chapter number 6, that is In the Memory of a Lion. So to continue the lesson, let's get to page number 40. Last video में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह तानाजी जो हैं वो जो किला है उस पर चढ़ाई कर चुके हैं. तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है. उदय सिंह सन ज्वाइन इन द बैटल. उदय सिंह जो के जो बेटे हैं उन्होंने भी बैटल को ज्वाइन कर दिया, लड़ाई को ज्वाइन कर लिया है. एंड द महौत सेंट चंद्रावती चार्जिंग इनटू द फ्रे. फ्रे होता है झगड़े में, और महावत ने भी चंद्रावती को उस झगड़े में भेज दिया. द मराठाज फोर्ट ब्रेवली. जो मराठा हैं वो बहुत अच्छे से लड़े, बहुत बहादुरी से लड़े. द कैजुअलिटीज़ वो हैवी. जो घायल लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे. अमंग द फर्स्ट टू पैरिश वर उदय सिंह थ्री सन्स एंड चंद्रावती. और जिनको सबसे पहले नष्ट करना था वो क्या कौन थे, उनमें से उदय सिंह के जो तीनों बेटे थे और जो हाथी थी, जो चंद्रावती हाथी थी, उसको नष्ट करना था, मारना था. तानाजी वेंट लुकिंग फॉर उदय सिंह. और तानाजी जो थे वो उदय सिंह को ढूंढ रहे थे. उदय सिंह हैड बाय देन हर्ड ऑफ ए सन्स डेथ. उदय सिंह ने जब अपने बेटों की मृत्यु के बारे में सुना, ही रश्ड इनटू द मेले. मेले होता है लड़ाई में, वो भी लड़ाई में कूद पड़े. तानाजी यू हैव अ लॉट टू आंसर सॉरी तानाजी यू हैव अ लॉट टू आंसर फॉर. तानाजी तुम्हें हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा. यू कैन नॉट एस्केप मी. तुम मुझसे बच नहीं सकते हो. दैट विल सी क्राइड तानाजी. और तानाजी भी ज़ोर से चिल्लाए कि वो तो हम देख लेंगे. विद ड्रो स्वॉर्ड्स दे क्लोज्ड इन. उन्होंने अपनी तलवार खींची और वो पास में आके मतलब लड़ने लग गए वो. ठीक आगे है. बोथ वॉज ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन. दोनों जो थे वो बहुत अच्छे तलवारबाज थे, तलवार चलाने वाले थे. द बैटल रेज फायरसली अराउंड देम. बहुत भयानक बैटल जो है उन दोनों में होने लग गई. द अटैकर्स हैड गॉट द बैटल ऑफ द डिफेंडर्स. अटैकर्स ने क्या किया, डिफेंडर्स के ऊपर अब वो भारी पड़ने लग गए. अटैकर्स कौन थे, मराठास थे. ठीक है, डिफेंडर्स जो थे वो उदय सिंह की सेना थी, जो मुगलों की ही समझ लो सेना हो गई. इन अ स्ट्रैटेजिक मूव अ सेक्शन ऑफ मराठा सोल्जर्स हैड थ्रोन ओपन कल्याण गेट. एक योजना के तहत ही जो मराठा सोल्जर्स का एक सेक्शन था ना, उन्होंने कल्याण गेट को खोल दिया, जो कि उनके ऑलरेडी उनकी योजना थी. ठीक. तानाजी एंड उदय सिंह वर लॉक्ड इन अ लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल. तानाजी और उदय सिंह थे जो अब वो जिंदगी और मौत का जो एक स्ट्रगल थे वो लड़ रहे थे. बोथ वर टायर्ड एंड दे वर ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली. प्रोफ्यूसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. वो बहुत ज़्यादा थक गए थे दोनों ही, और खून भी उनका बहुत ज़्यादा बह गया था. उदय सिंह मेड अ गैलेंट एफर्ट एंड प्लंग हिज स्वॉर्ड इनटू तानाजी चेस्ट. उदय सिंह ने एक बहुत बहादुरी भरा प्रयास किया और उसने जो अपनी तलवार थी वो तानाजी की छाती में उतार दी. तानाजी स्टम्बल्ड एंड फेल. तानाजी लड़खड़ा गए और गिर गए. क्वाइट एंड अनएक्सपेक्टेडली ही स्प्रैंग अप एंड इन्फ्लिक्टेड अ मॉर्टल वॉन्ड ऑन अ ट्रम्फेट उदय सिंह. क्या हुआ, उन्होंने क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली मीन्स बिल्कुल अचानक से ही तानाजी एकदम उठ खड़े हुए. ठीक है, और एंड इन्फ्लिक्टेड दे देना उन्होंने अ घातक. मॉडल होता है घातक, उनको एक घाव दिया उस विजयी उदय सिंह. विजय सिंह जो अपने आप को बहुत वो समझ रहा था ना कि वो उनको उदय सिंह को विजय प्राप्त हो गई है, उसी को ही उन्होंने एक घातक घाव दे दिया. ही फेल डेड और उसी टाइम वो मर गया वहीं पर ही. तानाजी टू कोलैप्स्ड एंड डाइड. तानाजी खुद ही गिर पड़े और वो मर भी गए वहाँ पर. ऑल वॉज क्वाइट वेन सूर्या जी एंटर द फोर्ट. सब चीज़ बिल्कुल शांत थी जब सूर्या जी फोर्ट में एंटर किए, किले में आए. ही रश्ड अराउंड. वो इधर इधर उधर घूमे लुकिंग फॉर तानाजी, तानाजी को ढूंढने के लिए. ही फाउंड हिम लेइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड. उन्होंने खून से भरे मतलब उनके तालाब में उनको पाया, मतलब उनके आस पास बहुत ज़्यादा खून था. ही नेल टू फील हिज पल्स. वो नीचे झुके उनकी पल्स देखने के लिए कि उनकी नाड़ी चल रही है या नहीं. ही लुक अगेंस्ट एट हिज डेड फ्रेंड. बहुत हैरानी से, अगेंस्ट होता है बहुत हैरानी से, उन्होंने अपने मरे हुए दोस्त की तरफ देखा. हिज ग्रीफ सून टर्न्ड इनटू एंगर. उनका जो गुस्सा था वो अचानक ही सॉरी ग्रीफ दुख था जो अचानक ही गुस्से में बदल गया. वी मस्ट कम्प्लीट योर टास्क. हमें आपका काम पूरा करना है, ही मटर्ड वो एकदम से बोले. ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए. आगे है.
द मराठास इन्फ्यूरेटेड बाय तानाजीज डेथ, मराठा जो थे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे तानाजी की डेथ से, फैलन देयर फोर्स लाइक टाइगर, और एकदम से उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि जैसे एक टाइगर्स को आता है। उदय सिंह डेथ हैड टेकन द फाइट आउट ऑफ द मुगल्स, उदय सिंह की जो डेथ थी वो मुगलों के हाथ से जो फाइट थी, जो लड़ाई थी वो निकल चुकी थी। उसी के साथ ही आफ्टर अ ब्रीफ स्ट्रगल द मराठास वॉन द बैटल, छोटे से स्ट्रगल के बाद मराठा जो थे वो उस लड़ाई में जीत गए। कोंडाना फोर्ट वॉज वंस अगेन इन देयर हैंड्स, कोंडाना फोर्ट एक बार फिर जो मराठास थे उनके हाथ में आ गया। सूर्याजी रिटर्न टू रायगढ़ फोर्ट टू इन्फॉर्म शिवाजी ऑफ देयर विक्ट्री, सूर्याजी रायगढ़ वापस आ गए इन्फॉर्म करने के लिए, किसको, शिवाजी को इन्फॉर्म करने के लिए कि वो जीत चुके हैं। ही वॉज एनग्जियसली वेटिंग फॉर देम, शिवाजी जो थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से उनका इंतज़ार कर रहे थे। राजे द फोर्ट इज टेकन, सैड सूर्याजी, सूर्याजी ने कहा कि राजे जो फोर्ट है, किला जो है वो हमने फतेह कर लिया है, गुड, बट वेयर इज तानाजी, अच्छा तो लेकिन तानाजी कहाँ पर हैं, ये शिवाजी पूछ रहे हैं। सूर्याजी हंग हिज हेड एंड रिमेन साइलेंट, सूर्याजी का जो सिर था उन्होंने लटका दिया और वो बिल्कुल साइलेंट थे, मतलब सिर नीचे कर लिया और बिल्कुल चुप थे। स्पीक सूर्याजी, सूर्याजी बोलो, क्राइड शिवाजी, शिवाजी जोर से चिल्लाए, शेकिंग हिम बाय हिज शोल्डर, उसके शोल्डर को हिलाते हुए। व्हाट हैज हैपन टू हिम, उसको क्या हुआ है या उनको क्या हुआ है, ही इज डेड, सूर्याजी सैड इन अ ब्रोकन वॉइस, और बहुत लड़खड़ाई सी आवाज़ में सूर्याजी कहते हैं कि वो मर गए। शिवाजीज फेस वेंट पेल एज ही मम्बल्ड, शिवाजी का जो फेस है वो पेल, मतलब वो बहुत ज़्यादा उदास से हो गए और उन्होंने कुछ बोला धीरे से। द फोर्ट इज़ वॉन बट माई लॉयन इज़ गोन, किला तो जीत लिया लेकिन मेरा शेर जो है वो मैंने खो दिया या मेरा शेर जो है वो चला गया। ही टर्न एंड वॉक टू द विंडो, वो मुड़े और विंडो के पास जाके खड़े हो गए। ही स्टूड देयर लुकिंग आउट, वो वहाँ खड़े रहे और बाहर देखते रहे। अ मेमोरियल ऑफ तानाजी स्टैंड ऑन द स्पॉट वेयर ही फेल इन द कोंडाना फोर्ट, आज भी जो मेमोरियल है तानाजी का वो उसी जगह पर बना हुआ है जिस जगह वो कोंडाना फोर्ट में गिरे थे। तो बेटे आपका जो लेसन है वो यहीं पर कंप्लीट हो गया है, इसका बुक वर्क जो है वो आपको फिल करने की कोशिश करना है। थैंक यू।